नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तरुण वाली में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम म्यूटेशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में जिन लोगों ने लास्ट सेशन में देखा उसमें म्यूटेशन की डेफिनेशन हमने सीखी थी, प्लस म्यूटेशन के डिफरेंट बेसिक टाइप्स के बारे में हमने चर्चा की थी। आप पहले वो सेशन देख लीजिएगा ताकि आप आज के सेशन को थरोली समझ पाएँ। इस सेशन में हम बात करेंगे म्यूटेशन के मेजर जो डिफरेंट टाइप्स हैं, किस प्रकार के मेन म्यूटेशन हमारे सेल्स में डीएनए के लेवल पर होते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला टाइप है न्यूमेरिकल म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम, अर्थात रंगसूत्रों की संख्या में यदि कोई बढ़ावा होता है, यदि उसमें कोई कमी होती है तो उस प्रकार से विकृति कैसे क्रिएट हो सकती है हम उसकी बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम का जो नंबर है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसे उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं जिसका नाम है प्लॉइडी। दोस्तों हम जानते हैं कि इन एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज प्लांट और वेदर इट इज एनिमल और एनी ऑर्गेनिज्म, जिसमें हर एक जीव का जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो फिक्स है। किसी भी स्पीसीज की बात कर लीजिए, उसमें पाए जाने वाले हर एक सजीव या हर एक ऑर्गेनिज्म का सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको कॉमन मिलेगा और हर एक स्पीशीज का क्रोमोसोम आपको नंबर डिफरेंट मिलेगा। तो इसका अर्थ है कि नेचुरली ऑर्गेनिज्म के पास जो भी सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यदि उस पूरे सेट में नंबर्स में कोई भी चेंज आता है, या नंबर बढ़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं किसी भी कारणवश, तो उसे हम कहेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन और रंगसूत्रीय संख्यकीय विकृति। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, पहले हम उसके नाम जान लेते हैं फिर हम उसे कुछ डायग्राम्स की मदद से समझेंगे। तो क्रोमोसोम का जो नंबर है उसे बेसिक शब्द जिसे हम प्लॉइडी के नाम से जानते हैं, प्लॉइडी आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन इज यूप्लॉइडी एंड द सेकेंड इज एन्यूप्लॉइडी। Let's try to understand what is euploidy. मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म का सेट ऑफ क्रोमोसोम, कोई भी नंबर आप इमेजिन कीजिए वो है, यदि समस्त सेट में, if the entire set of the chromosome get altered, पूरा सेट यदि रिपीट होता है या फिर घट जाता है या फिर बढ़ जाता है, तो इस परिस्थिति में उस बढ़ावे या उस घटने की प्रक्रिया को हम euploidy कहेंगे। यदि सेट ऑफ क्रोमोसोम संपूर्ण रूप से यदि बढ़ जाता है या फिर संपूर्ण सेट, एंटायर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट जाते हैं, हाफ हो जाते हैं या फिर डबल हो जाते हैं या फिर ट्रिपल हो जाते हैं पूरे पूरा सेट का नंबर, तो उसे हम कहेंगे यूप्लॉइडी। बट इन अदर केस, इन केस ऑफ एन्यूप्लॉइडी, जिसके अंदर आप एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम में हर एक पैर की बात करें या फिर हर एक इंडिविजुअल सेट की बात करें, इफ देयर इज अ ऑल्टरेशन और द चेंज और द म्यूटेशन इन एनी सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम लोकेटेड इन अ सिंगल सेल, आई एम रिपीटिंग, इफ देयर इज चेंज इन एनी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ सिंगल सेल, देन वी कॉल इट एज एन्यूप्लॉइडी। अर्थात यदि पूरे क्रोमोसोम के टोटल नंबर ऑफ सेट में किसी पर्टिकुलर सेट में कोई एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, घट जाता है, या दो बढ़ जाते हैं या दो घट जाते हैं, तब इस कंडीशन को हम कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। शब्दों से आई होप कुछ प्रतिशत तक हम इसके डेफिनेशन को समझ पाए। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूप्लॉइडी विद दिस डायग्राम। यूप्लॉइडी, जैसा कि मैंने आपको कहा पूरे सेट, एंटायर सेट में आपको यदि क्रोमोसोम का नंबर बदलता हुआ दिखे या बढ़ता या घटता, तो उसे आप कहेंगे यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी इज डिवाइडेड इन थ्री डिफरेंट टाइप्स, जिसमें पहला टाइप है मोनोप्लॉइडी, सेकंड है डाइप्लॉइडी एंड थर्ड वन इज पॉलीप्लॉइडी। नाउ व्हाट इज मोनोप्लॉइडी? डायग्राम से आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार से डायग्राम पर नजर करेंगे आपको तीनों शब्दों की जो डेफिनेशन है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बट स्टिल आई जस्ट वांट ट्राई टू एक्सप्लेन यू। मोनोप्लॉइडी मीन्स सपोज ये एक सेट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसके पास फोर डिफरेंट
डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास चार हैं, और हर एक सेट आपको हैप्लॉयड दिखेगा, मीन्स हर एक सेट में आपको एक ही क्रोमोसोम दिखेगा, सो दिस इज नोन एज मोनोप्लॉयडी। अब यदि हर सेट में एक एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है किसी कारणवश, तो उसे हम कहेंगे 2n, दैट इज डाइप्लॉयडी। हर एक सेट में आपको आप दो दो क्रोमोसोम, इट मींस पेयर ऑफ क्रोमोसोम या फिर पेयर ऑफ रंगसूत्र की जोड़ी मिलेगी, तो उसे हम कहेंगे डाइप्लॉयडी, और द कंडीशन इज कॉल्ड एज 2n कंडीशन। एंड लास्ट केस जिसके अंदर आपको पॉलीप्लॉयडी यदि समझना है, तो उसमें आपको हर एक सेट में 2n जो नंबर था उसमें भी एक एक और क्रोमोसोम ऐड हो गया, तो अब कंडीशन हो गई है ट्राइप्लॉयडी, मींस यू विल फाइंड 3 क्रोमोसोम इन एवरी सिंगल पर्टिकुलर सेट। इट मींस इट कुड बी टेट्राप्लॉयडी आल्सो, इट कुड बी पेंटाप्लॉयडी आल्सो, बट व्हेन इट यू नो एनहांसेस फ्रॉम 2n टू 3n, then you can call it as polyploid. Means after 3N, 4N, 5N, 6N, you can call that condition as polyploidy. अब हम समझेंगे second term, that is aneuploidy. Aneuploidy, जैसे कि हमने अभी समझा कि पूरे set of chromosome में किसी particular set में कुछ chromosome add हुए हैं या फिर delete हुए हैं, तो उसे हम aneuploidy कहेंगे, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, that is मान लीजिए कि ओरिजिनल सेट 2n है किसी ऑर्गेनिज्म का, मीन्स हर एक सेट में दो दो क्रोमोसोम आपको दिखते हैं, 2n में यदि किसी पर्टिकुलर जगह पर किसी पर्टिकुलर पेयर के अंदर यदि एक क्रोमोसोम बढ़ गया, यदि दो बढ़ गया तो उसके लिए प्लस सिंबल है, या फिर एक घट गया या फिर दो घट गए उसके लिए माइनस का सिंबल है, तो हम इसे सिम्बॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हमें इस कॉन्सेप्ट की परफेक्ट क्लैरिटी मिल सके। एन्यूप्लॉयडी के अगेन दो मेन टाइप्स हैं, एक है हाइपर एन्यूप्लॉयडी एंड अनदर वन इज हाइपो एन्यूप्लॉयडी। हाइपर का अर्थ हमें पता है अधिक, हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स बढ़ना, हाइपो मीन्स घटना। तो यदि 2n के सेट में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है या फिर दो बढ़ जाते हैं तो हम उसे हाइपर कहेंगे, इन शॉर्ट कुछ बढ़ता है यदि तो हम उसे कहेंगे हाइपर एन्यूप्लॉयडी। यदि किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम में कुछ घट जाता है या एक क्रोमोसोम कम हुआ या दो कम हो गए तो उसे हम कहेंगे हाइपो एन्यूप्लॉयडी, जिसे हम सिंबॉलिकली इजीली इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नाउ हाइपर एन्यूप्लॉयडी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, द फर्स्ट वन इज ट्राइसोमी एंड द सेकेंड वन इज टेट्राजोमी। ट्राई मीन्स थ्री आप समझते हैं, तो यदि रंगसूत्र का ओरिजिनल सेल में किसी भी सेल के अंदर दो क्रोमोसोम हैं और उसमें प्लस एक ऐड हो गया तो उसे हम 2+1=3, दैट इज द रीजन द नेम हैज बीन गिवन ट्राइसोमी। यदि ओरिजिनल सेट में 2n है और एक्स्ट्रा दो क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे टेट्राजोमी। सिमिलरली हाइपो मीन्स घटेगा, तो यदि ओरिजिनल सेट 2n है तो एक यदि कम हो गया तो उसे हम कहेंगे मोनोजोमी, यदि दो कम हो गए उसे हम कहेंगे नलीजोमी, यानी कि टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दोनों के दोनों यदि डिलीट हो गए तो इन दैट केस वी कॉल इट एज नलीजोमी। चलिए सेम कॉन्सेप्ट को यदि हम डायग्राम के हिसाब से समझते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एक सेल में आपको 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम दिखेंगे जो कि 2n कंडीशन में है, डाइप्लॉयड कंडीशन में है, जहाँ पर आपको सेकेंड सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड होता हुआ नजर आएगा। So this condition is called as 2n plus 1 or trisomy. Trisomy is easy क्योंकि 1, 2 पहले से थे और third जो extra add हुआ है। तो इस प्रकार की विकृति को आप कहेंगे संख्याकीय विकृति या फिर numerical mutation, क्योंकि total संख्या में एक का इजाफा हुआ है, एक का addition हुआ है। Similarly आप इस particular diagram में देखेंगे आपको समझ में आएगा कि original set 2n है, जिसमें सेकेंड सेट ऑफ क्रोमोसोम में आपको दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड होते हुए दिखेंगे, मींस 2n वाज द ओरिजिनल सेट एंड प्लस 2 हैज एक्स्ट्रा बीन एडेड टू दिस सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इसे हम टेट्राजोमी कहेंगे। इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन जिसे हम मोनोजोमी कहते हैं, वहां पर भी सेम लॉजिक, पर यहां पर क्या होगा, एक क्रोमोसोम का डिलीशन हो रहा है,
मींस सेकंड सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, तो पूरे ओरिजिनल सेट में से एक क्रोमोसोम क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, मोनोसोमी। पहले 2n था, एक डिलीट होने से अब ये अकेला रह गया, दैट इज व्हाई द नेम मोनो हैज बीन गिवन, एंड ज़ोमी मींस क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस 2n-2, 2n पहले से था लेकिन डिलीट कितने हुए, दो क्रोमोसोम, that is why the name 2n-2 or the nullisomy has been given, where in out of the total number of chromosome total two chromosomes are deleted. So in this way we can understand the numerical mutation in the chromosome. I hope this is clear to you.